ऋषिकेश में सांसद अनिल बलूनी से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की है। बलूनी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। बलूनी का कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी परचम लहराएगी। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी जी, तो उनसे बात करते हैं। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और कई जगह प्रस्तावित हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। अनिल जी, जम्मू कश्मीर में एक लंबे अंतराल के बाद, एक दशक के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या इनपुट है? देखिए, पूरे देश के लिए बहुत ही सुखद पल है, और 370 हटने के बाद, 35A के बाद एक जिस तरह का माहौल बहुत लोगों ने बनाया कि जम्मू कश्मीर के बारे में तमाम बातें की। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी मात्रा में वोट डाला, और जो लोगों ने जिस तरह की बातें की थी, जिस तरह का वातावरण बनाया था, उसको समाप्त किया। हमें पूरी अपेक्षा है, पूरी हमारे को ऐसे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन निकलेंगे और मतदान करेंगे, और लोकतंत्र की पूरी तरीके से विजय भी होगी। आपके सांसद के कंगना रनौत के कई बार बयान आ रहे हैं, अजीब से बयान है, पार्टी ने उनसे हालांकि किनारा किया है एक ऑफिशियल बयान जारी करके। हरियाणा में भी चुनाव है, तो उनका क्या फर्क पड़ने वाला है? हरियाणा का क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने लगातार जिस तरह से काम कर रही है, और कल हमारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई है, हम लोगों ने उसमें बैठक के दौरान भी जो इनपुट आया है वो बहुत ही सकारात्मक है, और जिस तरीके से लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं, टिकट के जो इच्छुक लोग संपर्क कर रहे हैं, उस सबसे स्पष्ट दिखाई देता है कि हरियाणा के अंदर उत्साह है, और आने वाला चुनाव इसको सिद्ध भी करेगा। सूची कब तक जारी कर देंगे प्रत्याशियों की हरियाणा में? देखिए, कल चुनाव समिति की बैठक हो गई है, आने वाले एक दो दिन में सूची भी आएगी। महाराष्ट्र में सुना समीकरण फिर बिगड़ रहे हैं, अजीत पवार चाचा के संपर्क में। ऐसे सब समीकरण जो बनते रहते हैं मीडिया में बिगड़ते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में भी जो हमारी तैयारी है वो बहुत अच्छी है, हरियाणा में भी हमारी तैयारी अच्छी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल ही रहा है, तैयारी चल रही है। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में आपको लगेगा तीनों चुनाव हमारे बहुत अच्छे जाएंगे। एक झारखंड का भी इशू है, वहां के मुख्यमंत्री को ईडी ने जेल भेजा, वो सिंपैथी गेन करने के लिए भी है, हालांकि उनके यहाँ भी फूट है। चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया सभी पदों से, झारखंड का किस तरह का फीडबैक आपको मिला? देखिए, झारखंड के लोग बहुत ही संवेदनशील लोग हैं, और जिस प्रकार के केसेस थे, अगर समय होता तो मैं जरूर उन केसेस को आपको खुल के बता सकता कि कितने गंभीर मामले हैं। उसके बाद झारखंड के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, और झारखंड की सरकार भी डरी हुई है। जिस तरह के घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि झारखंड की सरकार घबराई हुई सरकार है। वहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चार्ज है, और हमारी तैयारी पूरी है। कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए स्वर्ग आश्रम से अजीत सिंह राठी।